कोरोना वायरस के महासंकट के बीच सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है ब्लैक फंगस। देश के अलग अलग हिस्सों में इसके कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में एम्स ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जो ब्लैक फंगस के पता लगाने और उसके इलाज के दौरान मदद कर सकती है। एम्स ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उसके मुताबिक सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन मरीजों में ब्लैक फंगस का ज्यादा रिस्क है। जिन मरीजों को डायबिटीज की बीमारी है, डायबिटीज होने के बाद एस्टेरॉइड या टोकिलुज़ुम दवाइयों का सेवन करते हैं, उन पर इसका खतरा है। कैंसर का इलाज करा रहे मरीज या किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित मरीजों में इसका ज्यादा रिस्क है। एम्स की ओर से डॉक्टरों को सलाह दी गई है कि जो मरीज ब्लैक फंगस के शिकार होने के रिस्क पर हैं, उन्हें लगातार सूचित करें और चेकअप करवाएं। एम्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है, उनमें ब्लैक फंगस के लक्षण भी बताए गए हैं, जैसे नाक से खून बहना, पपड़ी जमना या काला सा कुछ निकलना, नाक का बंद हो जाना, सिर और आँख में दर्द होना, आँखों के पास सूजन होना, धुंधला दिखना, आँखों का लाल होना, दांतों का गिरना, मुंह के अंदर या आसपास सूजन होना। अब सवाल ये है कि अगर ब्लैक फंगस के लक्षण दिख रहे हैं तो क्या करें। एम्स की गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण दिखते हैं तो उसकी देखभाल कैसे की जाए, ये बताया गया है। कहा गया है कि ट्रीटमेंट को हर रोज फॉलो करें। अगर डायबिटीज है तो ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहें। एस्टेरॉइड का सेवन ना करें और डॉक्टर की सलाह पर ही इलाज करें। जरूरी हो तो MRI और CT स्कैन जरूर करवाएं। नाक और आंख की जांच भी जरूरी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।